আলে কিছু মানে তুজা হ্যাঁ জান দেখ ভাই ঠিক কে মানে আগে তো মাই বড়ি খালি দেখ না তুনে কেসা লিখতা কে হে কালার বিলার হে বালা বিলা কেসে হে হাইট আই আচ্ছি এক নি হাইট আপ তো কি হবে না মাই তো চা কে কোপালি যাই রছি কিস্তি মে রাখে তো মেরা হাত বহুত থর 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 কর রে দে আন তু বড়ি দেখ না থানা কেসা লিখতা কে হে ওকে ঠিক জব আইঙ্গে রিস্তা তো ঠিক মালুম হুঙ্গা হ্যাঁ জব চাই লি জাতে না তো ফির সব এসা লোগা আর দেখ কে টক টক আপনি কো দেখ কে ফির আপনে কাইসা দেখ না ঠিক সামনে গা রুক জারা তো আরে কি জারা তা চোকরে গালে কি জারা হাম বি এসা মামি কো দেখ না গেতে না তো মেরে মামি না তাই তো কোপা কিস্তি লেকে আরতে বলে কে আম সব বাইটে আলে মামা ও সব বাইটে আলে বুড্ডা গিডে লাগে করকে বড় বুজুরুক लगे मामी आए हाथ में कोपा की किस्ती लेके थर 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 आता ना आते बड़ो जाके मचा सा सलाम करे छोटा सा अस्सलाम वालेकुम सबको अरे किधर चमा चुक रहेगा राहो बहुत ऐसा डर लगता है बहुत ही डर लगता है जब आप जाते ना चाय लेके जाते तो बहुत क्या बोल रही इतना डर मैंने क्या करे मन गया ऐसा जातू बड़ो मैं चौकट हूँ गाली हाथ में किस्ती बिस्ती चाय की दो चार बिस्किट आगे प्लेट अंदर जैसा मैं गई उंगाली चौखट अन मैंने भी सलाम करी अस्सलाम वालेकुम सबको तो लगे उसमें से एक बुढ़ी क्या बुढ़ी मानी कोने में बैठ वाली दूर आई अरे ऐसा कैसा के सबको सलाम सबको अलग अलग करना पड़ता अलग जी रिवाज निकाले माँ आजकल के पट्टे ने तो फिर सबको एक एक से सलाम करने लगा है कोप देने का अस्सलाम वालेकुम बोलने का फिर उनको कोप देने का अस्सलाम वालेकुम बोलने का हाँ ना क्या बोले तू कब पहले से डर लग रहा था उसमें से और वैसा बोले वो बड़ी भी ने कैसा कैसा कोप देने का है ना सलाम वालेकुम कोप देने का है ना सलाम एंटी को अच्छा जाम है इतने जानों को सलाम करने को आगे बहुत इस कमाल है बाबा शब्द बटू आगे तेरे को क्या हुआ नाम बोले मुझे आदत हो गया आप कितने जने आके गए देख देख के आदत हो गया हमने को आप नेदर लग रहा था पहले पहले बहुत ऐसा थर थर होती थी मैं ना कुछ बोलती थी अम्मी मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी देखो फोटो की तो बताओ मैं नहीं जाऊंगी ऐसा बोलती थी मैं पहले अब क्या हो गया ता पीछे करे गली में कहीं भी शादी रही कि चार पांच औरतों का झुंड ऐसा आ जाते लगे घर को उनके यहाँ भी बेटी है देख के आएंगे आ जाते फिर वो घर मेरे को तो ऐसा पहले गली में शादी भी दी थी तो पहले शामी बोल देते घर गिर साफ सुफ करके रखे माँ आएंगे औरता मतलब तू घर गिर साफ नहीं रखते है घन पड़े वाली थी तेरे घर पे उसे बोले मेरी अगे तो बड़े वही से घर नहीं बोली मई अब सिलाई मशीन पे रहते चिंदे चोले रखे वाले हैं कई कुछ रहता खुबसे वाला कई कुछ रहता खुबसे वाला है अब कैसी रहती अपनी वादत प्लेट वहाँ रखने खाना खा के ये वहाँ रखने का खरी अपने जगह दिखना दवा के शीशे वहाँ पे खिड़की में ये यहाँ पे नील कटर वहाँ पे तो वो बड़े थे जरा आवर आवर करके आया जाके वहाँ फंसा रहा था इसको बोलते साफ सफाई ऐसी घान नहीं समझता कि मेरे को समझता क्या बड़े मजाक करे थी मैं मजाक करे फिर क्या हुआ आगे आगे कब फिर तो आगे क्या फिर मैंने चाय गी दी सबको 10-15 जनों को सलाम गिलान करी फिर क्या करे मन गया अब मेरे को लगा मैं दिल के दिल में खुश हुई अब ज्यादा कम पैसे आएंगे बोल के हाथ में रखते लोग आप देखने गए थे कि नहीं चाय गिर में अब इतना खुश हो गया मैं मैंने बोला अभी 15-16 जने हैं अब 100-100 रुपये पकड़े तो 1000-1200 रुपये तो कहीं गए नहीं मैंने बोली अब अपने को बकला माले ये वो शॉपिंग को अच्छे से देंगे तो ऐसा अंदाज लगाई थी मैंने चाय देते देते अरे वाह अपने सब तो यहाँ पे भी कमाने का सोच रही है आगे एवरे में क्या कमाने क्या है इसमें कमाने क्या अपना खर्चा नहीं होता क्या चाय पत्ती शक्कर ठीक मालूम नहीं कितना महंगा हो गया तो है शक्कर बिक्कर लगती नहीं क्या अपने को फिर हाउ रही है बिस्किट लाने पड़ता अपने पैसे नहीं जाते क्या हो रहा फिर लिए तो ये भी बात सही बात है अब 17-18 जनों को चाय बनाने को बोले तो होटल में पीने बैठे 10 रुपये में काटे हैं फिर देखना 180-200 रुपये तीन चार महीने तक हाँ ना सही लगे अच्छा बुढ़ी है अच्छा बुढ़ी कमाने का सोच के लगे तो यहाँ पे भी अगे नहीं ये नहीं घुसा ना कुछ हम तो मेरी सहेली है ना कि साहब हाँ ना तुम्हें हाँ चल आगे बोल क्या हुआ तो आगे बोला तो फिर क्या हुआ मैंने क्या मैंने जैसा अंदाजा लगी थी ना है सब 100-100 रुपये देंगे 17-18 रुपये जमा हो जाएंगे तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ उसमें से खाली क्या हुआ मैंने क्या दो के तीन जनों ने पैसे रखे 100-100 रुपये एंड बाकी के बुढ़ा ने 10-10 रुपये दिए मतलब ऐसे मिला के 370 रुपये जमा हुए थे खाली 370 रुपये जमा हुए इसमें कुछ मुनाफा गिनाफा नहीं हुआ एंड उतने तो हमको चाय पानी कुछ बनाने लगे थे पैसे अम्मा लगे खाली 370 ही क्या है 17-18 जनों में माँ बहुत ही चिकट लोग दिख रहे थे क्या भाव हाँ माँ देखते लगे हैं बहुत आते गए हैं नमूने नमूने के लोग आते देखने को अब क्या करना अब घर में जिस घर में बैठ आ रहे थे ना उनको कनक पड़ता देख है समरीन कनक पड़ता अब क्या अरे अपन हो ठहरे गरीब है कि नहीं जरा पढ़े लिखे वाला समझो किने बोला अम्मी को अब्बा को किने बोला कि 10वीं पढ़े वाला है एंड सेंटरिंग काम को जाता 10वीं पढ़े वाला है एंड 11 काम को जाता लगे ऐसे उछाल मारते गए मेरा अम्मी अब्बा ऐसे उछाल मारते लगे बुला देते आओ देखने को क्या बोलना थी को आप
दसवीं पढ़े वाला है अंग्यारिस का आपको जाता क्या को तुम बताने को मैं ऐसे लोगों को बताने का तो नहीं बोलना अभी हमारे बच्चे पढ़ने ऐसा बोलने का चाची ने भी लेकिन बता देते बुला लेते घर पे मैं जरा ऐसा रहता कहीं है और आप कौन बोलेगा मेरे अम्मी को तो क्या बोलते बन गया पहले पहले सिर्फ चाचे आते बोलते बाद में कोई नहीं आता बोलते तो उसको जैसे बुलाते हो आप क्या बोलते हाँ मैं अपना ऐसा क्या गैरिज काम करने वाला अनसेंट्री वो भी अच्छे रहते लोग हैं रोज कमाते रोज खाते मैं उनका कुछ बड़ी नहीं पर ऐसा है कि अभी उम्र की आई तेरी हाँ बाबा देखते लगे मेरे अम्मी अब्बा वैसे बोलते ना रोज कमाने खाने वाला होना रोज कमाने खाने वाले लोग अच्छे रहते ऐसा बोलते मेरे अम्मी अब्बा तो उसे बता देंगे उसमें उनका भी क्या गलती है हाँ बाबा वो भी सही है उनकी बस ये फिर क्या हो फिर आगे बोले कि नहीं उन्होंने कुछ है क्या निकल के उठ के चले गए आगे तो उन्होंने बोले बोलते बोले एक दो दिन में बोलते बोले ऐसा बोले अच्छी बच्ची अच्छी बोले माशाल्लाह बोलते बोले एक दो दिन में फिर कल फोन लगाए थे उन्होंने आगे मागे फोन लगाए क्या बोले फिर क्या बोले पक्का कर देंगे फिर आगे सुन तो जो हर लोग बोलते ना अभी तक जितने भी आए ना देखने को तो उन्होंने जो बोले ना तो इन्होंने वो बोले कुछ नहीं टाइम पास करने आते बैठते छोकरी देखते चाय पानी करते निकल जाते फिर बोलते एक दो दिन में फोन लगाते देखना क्या बोले उन्होंने क्या बोले क्या बोले क्या बोले बोल बोले आई माँ बोले हमारा बच्चा पढ़ने का बोला बोले अभी उसको दो तीन साल टाइम है घर भी बनाने का बोला घर बनाने के पहले कुछ नहीं करने का ऐसा बोला बोले वो तो अभी हमको टाइम है बोले ऐसा कहता भूत जाएगा उसके अंदर ऐसा कहता भूत जाएगा पढ़ने का दस ही पढ़ा बोले सेंटिंग काम को जाता था बोलते ना गैरिज को जाता था बोलते ऐसा कहता फिर बीच में पढ़ने का उठा उसका उर कोड़ा अगे तू समझी नहीं वो खाली बहाना था एक नहीं बोलने का बहाना कैसा बोलना बोल के ऐसा बोलते लोग वो जाने देते लोग अभी अच्छा है बाबा हमारे छोकरा बड़े बड़े पढ़ने का घर गिर बनाए तो कुछ नहीं करने का अच्छा है मैं अच्छा है बाबा हो ना चुपी चाहते अपना मुँह लेके देखने को चाय पानी करते हैं उठ के चल जाते हैं बाद में ऐसा बोलते फिर हाँ अनुष्को जैसे पूरे गली कैसा और तो क्या काम रहता गली के ऐसा डाव का आते इनके वहाँ मेहमान उनके वहाँ मेहमान ऐसा डाव का आते फिर वो 8-15 दिन चर्चा गली में आई माँ अनुष्को देखने को आए थे तो क्या हुआ क्या हुआ पसंद नहीं करे क्या क्या हुआ नहीं बोले क्या हाँ ये अलग से ताप रहता ऊपर से ताप ही ऐसा रहता डाव का चार देखते किससे हम कौन आ रहा जा रहा खुद का घर का देते छोड़ के एंड फिर इनके वहाँ कौन आ रहा उनके यहाँ ऐसा ताप देते गए फिर 8 दिन चार सौ चलती वट्टों पर सब लोग देखने आए थे क्या हुआ एंड छोकरा ऐसा करता बोलते छोकरा अच्छा नहीं था बोलते वो एंड ऐसा ऐसा जो भी बोलते हाँ माँ अच्छा हुआ नहीं दिए तो ऐसा था बोलते छोकरा आई थी था बोलते आई थी ऐसा बोलते एंड उधर जाके दूसरा बोलते फिर ऐसे रहते चौमड़े बहुत बुरे रहते चौमड़े कैसे बोली शब्द तूने चमड़े बहुत बुरे रहते चमड़े पर चमड़े बोले क्या चमड़े बोले क्या हाँ ना आप क्या बोलना चमड़े बोले तो इसके घर का देख उसके घर का देख उसके यहाँ क्या चढ़ा उसके यहाँ क्या खा रहे उसके यहाँ क्या पका रहे ऐसा खुद के घर में कुछ नहीं है खुद के घर में ध्यान नहीं रहता कुछ नहीं दूसरों घरों का लेना देना रहता उनको तो उनको बोलते चमड़े कुछ भी नवाज सुनने को मिलता मैं तो देख ऐसा हुआ देख परसों दिन आते रहते लोग आ जाते रहते हाँ हो बा चल हम बहुत देर हो गई 5 बज रहे चल काम धंधे की देखेंगे वो लिखने का बताया सलीम सर का होमवर्क भी लिखने का रहा मेरा वो तो लिखते मैं हो गई माँ वो भी बाबा क्या होमवर्क दे रहा माँ 4-4 पेज लिख के लाओ बोला हाँ ना मेरा बताया देख 2 पेज लिखी मैंने अभी 2 रहे लिखने के हाँ ना माँ तो चलो जी मिलते हैं हम आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में तब तक आप अपना और अपने सेहत का ख्याल रखना और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और आप सब कैसे हो हमें कमेंट करके जरूर बताना तो चलो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करो अल्लाह हाफिज़।